अयोध्या में राम भक्त मोदी, आज अयोध्या का दौरा है पीएम मोदी का और अयोध्या में रामलला का आशीर्वाद पीएम मोदी आज लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। पूरी अयोध्या नगरी को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। शाम 7 बजे रामलला के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी, आपको याद होगा वो दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आज अयोध्या नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उससे पहले बेहद खूबसूरती के साथ अयोध्या नगरी को पूरी दुल्हन की तरह फूलों से सजाया जा रहा है। शाम 7 बजे रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे पीएम मोदी। फैजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट अपील की जाएगी पीएम मोदी की ओर से। मेगा रोड शो, करीब 2 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो होगा पीएम मोदी का, और रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। अपने आप में बेहद खास रहेगा ये पूरा कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव प्रचार में रोजाना अलग अलग राज्यों का दौरा पीएम मोदी कर रहे हैं। इससे पहले यूपी में कई चुनावी सभाएं पीएम मोदी की हो चुकी हैं। देश के कोने कोने में रोड शो पीएम मोदी का, चुनावी सभाएं, लेकिन आज अयोध्या का दौरा अपने आप में बेहद खास रहेगा, कई मायनों में खास रहेगा। सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे पीएम मोदी, और फिर 2 किलोमीटर करीब लंबा मेगा रोड शो होगा। ऐतिहासिक ये पूरा कार्यक्रम होगा पीएम मोदी का। ऐतिहासिक इसलिए चूंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है आजाद भारत के इतिहास में जब लोकसभा चुनावों के दौरान देश के किसी प्रधानमंत्री की ओर से अयोध्या का दौरा किया जा रहा है और रोड शो किया जा रहा है आज। तो अयोध्या में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, पीएम का अयोध्या में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो रहेगा। फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी के लिए मेगा रोड शो पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश जबरदस्त हाई है। 2 किलोमीटर तक छतों से पुष्प वर्षा भी होगी पीएम मोदी पर। बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो पीएम मोदी करने वाले हैं। एक बना दिया था वहाँ फाटक, वो फाटक गिर गया, वैसे लगे सीमेंट नहीं लगा। महाराज भला ऐसा तो हो गया अयोध्या। बाबा हरिचंद्र दास, बाबा हरिचंद्र दास जी, ये बगले में है साहब स्थान। आज देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले तो अयोध्या में भगवान राम के चरण में आ रहे हैं और पांचवें बार में आ रहे हैं। सबसे तो खुशी की बात यह है कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक 5 बार नहीं आए, एक बार भी नहीं आए होंगे। ये पहला प्रधानमंत्री अयोध्या में 5 बार अयोध्या में जो है भगवान राम के चरण में आ रहे हैं, और यहाँ से उनका जी सारे चुनाव का संकनाद है। अयोध्या में बहुत पूरी राममयी है, पूरी खुशी उत्साह मना हुआ है, पूरी गेट रामलला का सजा हुआ है, पूरी अयोध्या सजा हुआ है फूलों से, और जगह जगह पर उनके जो है आरती भी होगा, जगह जगह पर घड़ी घंटे बजेंगे उनके स्वागत के लिए। पूरे 5ों विधानसभा के, अयोध्या जिले के सभी विधानसभा के कार्यकर्ता भी स्वागत करेंगे, संत महंत भी स्वागत करेंगे, राम भक्त लोग भी स्वागत करेंगे। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं, और साथ साथ चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसी चुनाव में रोड शो भी करेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन में जो भी इनके सम्मान होता है उस प्रकार से दर्शन के अवधि में इनके सम्मान किया जाएगा, और साथ ही साथ शुभकामनाएँ शुभ आशीर्वाद दिया जाएगा कि रामलला के कृपा बनी रहे, और इनके जो जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो, और साथ साथ इनके जो रोड शो करेंगे वो भी जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो, इस प्रकार से उनकी शुभकामनाएं और दिया जाए। सबसे प्रथम दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद तो रोड शो करेंगे। रोड शो सुग्रीव किला से प्रारंभ हो करके और लता चौक तक जाएगा, और इसी बीच में अयोध्या के जो संत महंत और जो भी राम भक्त हैं वो साथ में रहेंगे, और इस प्रकार जो उनका स्वागत और सम्मान होगा बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जो हमारे लल्लू सिंह हैं जिनके पक्ष में
रोड शो करने के लिए आए हैं, क्योंकि लल्लू सिंह यह तीसरी बार ये सांसद बनने के लिए इन्हें दिया है और इनको टिकट मिल गया है। तो ये सारी जो भी बातें हैं वो सब भी बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर है, और यह है उनका रोड शो और दर्शन, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। महाराज, मंदिर को किस तरीके सजाया गया है? गेट, हाँ, पूरा यहाँ से लेकर के गेट से लेके और वहाँ गर्भगृह तक पूर्णतया सजाया गया है, और जिससे यहाँ में कोई कमी नहीं है और पूरा दिव्य रूप दिखाई दे रहा है। तो फैजाबाद अयोध्या में पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है, उससे पहले आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। पूरा कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास रहेगा, ना सिर्फ रामलला के दर्शन करेंगे पीएम मोदी बल्कि भव्य रोड शो, मेगा रोड शो भी रहेगा। और पूरा रोड मैप क्या रहेगा इस रोड शो का, वो आपको जल्दी से बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अयोध्या में पीएम मोदी का रोड शो है, 2 किलोमीटर करीब लंबा रोड शो होगा। राम जन्मभूमि पथ यानी कि सुग्रीव किला से इस रोड शो की शुरुआत होगी। हनुमानगढ़ी चौराहा होते हुए ये रोड शो गुजरेगा। इसके बाद छोटी देवकाली चौराहा, जहां पर अलग अलग जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत होगा। इसके बाद तुलसी उद्यान अगला पड़ाव होगा इस रोड शो का, और फिर लता मंगेशकर चौक पर जाकर ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समाप्त होगा। ज्यादा जानकारी इस पर मैं ले लेती हूँ इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह अयोध्या से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले सुबह आपने जो तस्वीरें दिखाई थी, उत्साह अभिषेक देखते ही बन रहा था, जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा क्या? लोगों का वहां पर तैयारियां किस तरह की गई हैं? रोड मैप इससे पहले मैंने बताया, तैयारियों की तस्वीरें भी दिखाई आप। बिल्कुल, हम राम जन्मभूमि पथ पर ही मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है ये गुजरेगा। सामने लता मंगेशकर चौक है और यहीं पर वो रोड शो खत्म होगा। उससे पहले यहाँ से गुजरते हुए प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। देखिए, इस तरह के मंच कुछ बनाए गए हैं और रोड के ठीक उस पार से प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो गुजरेगा। एक गाड़ी तैयार की गई है, हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी कि इसुजू कंपनी की गाड़ी को तैयार किया गया एक रथ की तरह, पूरी तरह फोटोज इम्बॉस की गई हैं जिसमें अंदर से लाइट्स लगाई गई हैं जो ग्लो करेंगी यानी चमकेंगी, और पीछे से प्रधानमंत्री की अलग अलग तस्वीरें लगाई गई हैं। तो उस वक्त शाम के वक्त वो देखते ही बनेगा। गाड़ियों पे भी छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं और वो गाड़ियां जब यहां से गुजरेंगी तो इस पार लोग चलते रहेंगे, उस पार प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो चलेगा। यहां पर लोग अलग अलग इसी तरह के तख्त और मंच लगाए गए हैं जहाँ से लोग अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। ये मोटर आप देख सकते हैं, इस तरह की कुछ मोटर्स हैं जिसके जरिए फूलों की वर्षा की जाएगी। ये इस मोटर से फूल की वर्षा की जाएगी, कैसे ऊपर करेंगे इसको देखिए, ये जो पाइप है ना मैं दिखा रहा हूँ, जैसे इस पाइप को ऐसे ऊपर किया जाएगा और ये आसमान की तरफ होगा। जब इसमें फूल डाले जाएंगे इस मोटर में और फिर ये जो पाइप है इसे ऊपर किया जाएगा और इससे फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री पर सीधे होती नजर आएगी। इसी तरह के अलग अलग मंचों पर इंतजाम किए गए हैं। कितने किलो फूल मंगा रहे हैं आप लोग इस मंच के लिए? कम 20 से 25 किलो एक हर मंच पे। इसी तरह 25 किलो, कम से कम 10 सेट लगा है हमारा। 10 सेट है, हाँ। यहाँ पे से फूल की वर्षा होगी, फूल की वर्षा होगी। 10 अलग अलग मोटर्स मतलब लगा, हाँ, अलग अलग मोटर लगाए हर जगह पूरे पथ पे। और थोड़ा वो लगाए, क्या बोलते हैं, CO2 गैस लगाए, फॉग मशीन वो भी लगाए, हर स्टॉप पे, हर डीजे पे लगाए। और मतलब ये कितनी कितनी दूरी पे लगाए गए? ये 100 मीटर पे। देखिए 100 मीटर पे ये बता रहे हैं, टेक्निकल स्टाफ है ये बता रहे हैं कि 100 मीटर पे इस तरह ये तैयारी की गई है, जहाँ पर बाकायदा फॉग मशीन्स और ये मोटर्स लगाई गई हैं जिससे फूलों की वर्षा, आसमान से ऐसा लगेगा कि खुद देवी देवता फूल बरसा रहे हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ रोड शो कर रहे होंगे। और दोनों तरफ जो श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, वो भी किसी तरह कोई परेशानी ना झेलें इसका भी खास तौर पर इंतजाम। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। आज प्रधानमंत्री जी भी रोड शो करेंगे, यहाँ से आप चल रहे होंगे ठीक बड़क बगल की सड़क पर। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हम दिल्ली से आए। अच्छा, हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतनी सुविधाएं करी है योगी जी और मोदी जी के लिए, हम दिल्ली से चल के आए। देखिए, लोग दिल्ली से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका कहना है कि खुद प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। कहाँ से हैं आप?
हम लोग ललितपुर से हैं। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ बगल में, इसी रोड पर उनका रोड शो होगा शाम को। हाँ जरूर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे जरूर। कैसा दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ अभी दर्शन करने जा रहे हैं। लोग हैं ललितपुर या पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, छोटा बड़ा बुजुर्ग हर एक वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है। मन में भक्ति भाव है, भक्ति भाव से ओतप्रोत के अलावा कहा जाए तो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भी यहाँ मन आह्लादित है लोगों का। और ये इंतज़ाम है जो आपको हम दिखा रहे हैं कि उस तरफ की रोड पर कल देर शाम तक SPG ने तकरीबन आधा दर्जन बार जो पूरा रिहर्सल है, यानी पूरी फ्लीट रिहर्सल की गई है, कैसे फ्लीट आएगी, कैसे लक्ष्मण टीला पहुँचेंगे प्रधानमंत्री और फिर वहाँ से कैसे वो ये पूरा रोड शो संपादित किया जाएगा, उस दौरान कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और खास तौर पर SPG ने जब ये पूरा प्रोटोकॉल अपने हाथ में लिया उसके बाद से एक एक माइन्यूट चीज़ों का भी सुरक्षा के लिहाज से ध्यान रखा गया है। ऊपर की जितनी भी इमारतें हैं वहाँ पर कोई नहीं मौजूद रहेगा, स्पेशल कमांडोज और स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। साथ ही साथ कई कंपनियाँ SSF यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जो UP पुलिस की स्पेशल बटालियन बनाई गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, उसको अलग से तैनात किया गया है। UPATS के कमांडोज, STF और इसके अलावा SPG के जो स्पेशल कमांडोज हैं वो भी चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं उनकी जो टीम्स हैं वो लगातार जायज़ा ले रही हैं। कई बार हम देख रहे हैं कि उनकी टीम्स के लोग अलग अलग जगह पर ये जो मंच बनाए गए हैं वर्षा के लिए उसका जायज़ा लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें अभिषेक लाइव दिखा रहे हैं, चहल पहल जबरदस्त है। अयोध्या से अभिषेक सीधा रिपोर्ट कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अभिषेक हुई थी और उसके बाद आज PM मोदी पहली बार पहुंच रहे हैं तो उत्साह भी देखते ही बन रहा है। लल्लन सिंह यहां से BJP के उम्मीदवार हैं, अयोध्या में मुकाबला किस तरह का है ये भी बताइए। PM मोदी का दौरा तो कई मायनों में खास है ही, लल्लन सिंह के पक्ष में वोट अपील PM मोदी करेंगे, लेकिन यहाँ इस सीट पर, फैजाबाद सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प, बाकी पार्टियों से कौन कौन मैदान में है और कितना प्रभाव पड़ेगा जब PM मोदी पहुंचेंगे और लंबे अरसे का, सदियों का जो इंतजार है जब वो खत्म हुआ है तो अयोध्या क्या नया रिकॉर्ड इस बार बनाने वाला है। बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो, सियासत ना हो और चुनाव चल रहा है तो ये संभव नहीं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है क्योंकि इससे पहले हम इस तरह के रोड शो देखते थे वाराणसी में, जहां प्रधानमंत्री अपना नामांकन करने जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने से पहले की बात की जाए तो पहला रोड शो वाराणसी में 2014 में हुआ, जब उन्होंने अपना पहला रोड शो किया और फिर नामांकन किया। लंबे दूरी का रोड शो, तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर का रोड शो देखने को मिला था। उसके बाद से ही वाराणसी में रोड शो हम पहले भी देख चुके थे, लेकिन पहली बार राम मंदिर बनने के बाद, यानी कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद, प्रधानमंत्री अपने नामांकन से पहले यहाँ भगवान के सामने अपना माथा टेकने, पूजा अर्चना करने और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपना नामांकन करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरी बात सबसे अहम ये कि राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगातार प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं। आज भी कई जगह प्रधानमंत्री के दौरे और इस तरह के कार्यक्रम, संबोधन कार्यक्रम होते नजर आ रहे हैं। उस दौरान प्रधानमंत्री का अयोध्या में ये रोड शो सीधे तौर पर असर डालेगा, ना सिर्फ यहाँ अयोध्या फैजाबाद सीट पर बल्कि आसपास के जो पूरे लखनऊ मंडल से जुड़ी हुई लोकसभा की सीटें हैं, चाहे वो रायबरेली अमेठी की बात की जाए, चाहे वो बाराबंकी की बात की जाए, चाहे वो सीतापुर हरदोई की बात की जाए, तो इन सभी तरफ पूरी तरह असर डालता बिल्कुल ये रोड शो नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए रोड शो अपने आप में खास रहेगा, 2 किलोमीटर करीब लंबा ये रोड शो। कौन कौन मौजूद रहेगा PM मोदी के साथ और क्या तैयारी सिर्फ BJP के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वहां पर की है या फिर आम लोग भी उतने ही उत्साहित हैं? और ये जो पुष्प वर्षा होगी क्या वो आम लोगों की ओर से अयोध्या की जाएगी PM मोदी पर अभिषेक? जी बिल्कुल, कुछ लोग होंगे लेकिन इस तरह से जब रोड शो होगा उस वक्त सिक्योरिटी के भी उस तरह के इंतजाम होंगे तो लोगों के हाथ से उस तरह से फूल जाना प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा, इसीलिए ये मशीन्स यहाँ पर लगाई गई हैं। लोग अपने हाथों से भी पुष्प वर्षा करेंगे लेकिन इस मशीन के जरिए, यानी इस 10 अलग अलग, इस 2 किलोमीटर में 10 अलग अलग स्पॉट पर ये मशीन, जैसा कि हम सुन रहे थे इन्होंने बताया कि अलग अलग स्पॉट पर ये मशीन लगाई गई हैं जिसके जरिए एक पाइप के जरिए इसका ऊपर तक इसका जो इसका आउटलेट है वो ऊपर किया जाएगा और वो ऊपर से नीचे आएंगे फूल,
जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजर रहे होंगे, रोड शो का पूरी तरह यहाँ से गुजरता हुआ जब नजर आएगा। और बात की जाए तो खासतौर पर अयोध्या के अलग अलग वर्गों के लोग यहाँ स्वागत के लिए, यहाँ जिला प्रशासन ने इंतजाम किया है कि स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप सामने पोस्टर देख रहे हैं, लल्लू सिंह का पोस्टर है जो सांसद हैं अयोध्या से, और उनके अलावा यहाँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं वो नजर आएंगे, विधायक नजर आएंगे, पूर्व सांसद नजर आएंगे, आसपास की सीटों से तमाम सारे लोग यहाँ राजनीतिक तौर पर बात की जाए, और अगर बात की जाए विधानसभा और लोकसभाओं की तो तमाम विधानसभाएं लोकसभाएं हैं जो अम्बेडकर नगर और आसपास के कई सारे जिले, बस्ती और आसपास के कई सारे जिले जैसे पूरी तरह सटे हुए ज्वाइंट हैं, वो सारे चेहरे यहाँ पर आज नजर आने वाले हैं। और ये ऐसा मौका है कि कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री अयोध्या पहुँच रहे हैं, उनका रोड शो है, उस दौरान एक झलक पाकर उन्हें प्रणाम करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहा है। और शायद यही वजह है कि आसपास के जो जितनी भी सीट्स हैं लोकसभा की, उनके प्रत्याशी हों या फिर उनके पूर्व सांसद हों, विधायक हों, मौके पर वो सभी यहां आपको चेहरे आज शाम को नजर आएंगे। जब बिल्कुल जाहिर है आसपास की जो सीटें हैं उन पर भी एक बड़ा प्रभाव रहने वाला है इस पूरे दौरे का पीएम मोदी के। कितनी देर करीब अयोध्या में मौजूद रहेंगे अभिषेक पीएम मोदी? क्या सबसे पहले रामलला के दर्शन होंगे, उसके बाद रोड शो होगा, क्या पूरा प्रोटोकॉल रहेगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री शाम को जब यहाँ पहुँचेंगे तो भगवान श्री राम के, रामलला के दर्शन करेंगे, अंदर पूजा पाठ होगा, अलग तरीके की पूजा होगी, यानी प्रधानमंत्री के पहुँचने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ तकरीबन 51 ब्राह्मण वहाँ पर मंत्रोच्चारण के बीच वो पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन लेने के बाद वहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर सुग्रीव टीला से ये रोड शो की शुरुआत होगी। खुली एक गाड़ी जिसको मैं रथ बता रहा हूँ, उस तरह का एक रथ तैयार किया गया है जिसमें बैठकर प्रधानमंत्री इस रोड शो की शुरुआत करेंगे। वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा का ये डिस्टेंस है, इसे पूरा करते हुए हमारे ठीक पीछे यहाँ यानी लता मंगेशकर चौक तक पहुँचेंगे, लोग अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। तकरीबन 80 से ज़्यादा स्पॉट्स बनाए गए हैं, 10 से 12 स्पॉट्स हैं जहाँ फॉग मशीन्स, स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, फ्लावर स्प्रिंकलर्स, जहाँ पे फूलों की वर्षा उन पर की जाएगी। और इस दौरान जो दर्शनार्थी हैं वो भी अलग अलग लेन से, यानी यहाँ ठीक यहाँ नहीं लेकिन इसके ठीक बगल की लेन्स पर इसी तरह पैदल दर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। दर्शनार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इस बात का खास तौर पर भी ध्यान रखा गया है। क्या कहते हैं आप? बोलो प्रधानमंत्री जी को देखने बार मोदी 400 बार बोल रहा है जय श्री राम। देखिए क्या छोटा क्या बड़ा, हर किसी के मन में भगवान का भक्ति भाव है और यही वजह है कि यहाँ पर आज प्रधानमंत्री जब मौजूद होंगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं, और जब उन्हें कल हम शाम को यहाँ मौजूद थे, उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं या उन्होंने अखबारों में, न्यूज़ चैनल पर, इंडिया न्यूज़ पर भी कई जगह देखा होगा, उसके बाद से ही वो यहाँ रुकने का मन बना लिया उन्होंने। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि कई सारे लोग यहाँ पहले से ही थे वो भी स्टे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के रोड शो को देख रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री को आमने सामने से देख रहे हैं। और ये भी अद्भुत है उस दौरान अभिषेक कि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके अगले दिन से ही एक नया रिकॉर्ड इस बार बन गया है, शायद ही किसी तीर्थ स्थल पर इससे पहले इस तरह का रिकॉर्ड बना हो। अगले दिन से ही भारी भीड़ और तब से लेकर अब तक करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी रामलला के दर्शन कर चुके हैं। आज जब पीएम मोदी भी पहुंच रहे हैं तो और बातचीत कीजिए लोगों से, आज किन किन राज्यों से अयोध्या में पहुंचे हुए हैं लोग? अभिषेक आप सुन पा रहे हैं मुझे? और लोगों से बातचीत कीजिए, कितना उत्साह और लोगों में आज पीएम मोदी जब पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन भी करने के लिए लोग पहुंचे हैं, किन किन राज्यों से आए हैं लोग? बिल्कुल, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ठीक पीछे आप देख सकते हैं कैसी भीड़ उमड़ी है भक्तों की रामलला के दर्शन के लिए। कहाँ से आए? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आज पता है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री यहाँ से रोड शो करेंगे, देखेंगे उनको शाम जी। मोदी जी को नाम सुना है? मोदी जी? हाँ, मोदी जी का नाम सुने हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज वो यहाँ सामने रोड शो करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा, खुशी का बात है। देखेंगे उनको? और देखेंगे, अच्छा। देख के जाएंगे। देखिए नेपाल से आए हुए हैं, जानते हैं प्रधानमंत्री जी को, कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ से हैं आप?
बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन, पंजाब से आए हैं, लाजवाब दर्शन, राम लला जी के दर्शन, मोदी जी को भी देखने जाएंगे हम जी, शाम को आएंगे, शाम को पास में रह रहे हैं, बहुत ही आनंद आया, धन्यवाद। अलीगढ़ से प्रधानमंत्री जी शाम को रोड शो करने आ रहे हैं, देखेंगे। हाँ देखेंगे देखेंगे। कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से आए हैं। आज प्रधानमंत्री जी शाम को यहाँ रोड शो कर रहे हैं, पता है? मोदी जी? हाँ जी पता है। देखेंगे उनको, रुकेंगे, देखेंगे। हम इंतजार तो करेंगे, हो सकता है देख पाए, पर पहले राम लल्ला के दर्शन करके आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। देखिए लोग दर्शन करने आए हैं, रुकेंगे देखेंगे, और एक अच्छी बात यह है कि धूप या गर्मी उस वक्त नहीं होगी, मौसम थोड़ा खुशगवार हो जाएगा, क्योंकि कल से परसों के बीच से मौसम थोड़ा खुशगवार हुआ है अयोध्या के आसपास के बेल्ट की बात की जाए। हालांकि यहां पर मौसम क्योंकि रेतीला इलाका है, नदी के बगल का इलाका है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन ये भगवान की अद्भुत कृपा है कि पिछले 2-3 दिन से मौसम थोड़ा खुशगवार है यहाँ पर। और शाम को जब मोदी जी यहाँ पर मौजूद होंगे तब बड़े पैमाने पर लोग यहाँ नज़र आएंगे, क्योंकि शाम का वक्त होगा, धूप नहीं होगी, प्रधानमंत्री निकलेंगे, पूरा अयोध्या नगरी जगमगा रहा होगा, अलग तरीके की लाइटिंग्स, अलग तरीके के इफेक्ट्स दिखाई देंगे, और इस तरह से पुष्प वर्षा सड़कों पर, यानी कहा जाए कि रेड कारपेट तो नहीं, लेकिन हाँ पुष्प बिछे हुए होंगे पूरे रोड शो के पथ पर, यानी पूरे राम जन्मभूमि पथ से लेकर, यानी कहा जाए कि सुग्रीव टीले से लेकर लता मंगेशकर चौक तक 2 किलोमीटर से ज़्यादा का जो स्ट्रेच है वहाँ पर अलग अलग 10 स्पॉट्स ये बता रहे हैं। बाकी लोग भी अपने हाथों से पुष्प अर्पित करते हुए नजर आएंगे, पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री पर नजर आएंगे, वो देखने सा नजारा होगा आज शाम को जी। बिल्कुल, और अयोध्या से खास जुड़ाव पीएम मोदी का रहा है, इसका जिक्र कई बार पीएम मोदी कर चुके हैं। आज रामलला के दर्शन होंगे, मेगा रोड शो होगा, संबोधन भी क्या होगा अभिषेक, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखें तो जबरदस्त प्रचार प्रसार के मोड में पूरी तरह से पीएम मोदी हैं, बीच में नवरात्रे भी थे, उनका उपवास भी था, लेकिन तब भी वो नहीं रुके, नहीं थमे, और रोजाना हजारों किलोमीटर का सफर वो तय करते हैं, अलग अलग देश के कोने कोने में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज जब अयोध्या पहुंचेंगे तो संबोधन भी क्या होगा पीएम मोदी का? बिल्कुल, हजारों लोग पहुंचेंगे अयोध्या, और लाखों की तादाद में लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन से ही हर कोई इंतजार कर रहा था। सच बात यह है कि सालों साल लोगों ने इंतजार किया है कि कब वो दिन आएगा जब वो अपने भगवान को मंदिर में बैठा हुआ देखेंगे। आज वो दिन आया है तो लोग कहीं से भी उत्साह किसी भी मौसम में कम नहीं होता नजर आया है अब तक, चिलचिलाती धूप हो गर्मी हो। जी हम अजमेर से, अजमेर से आए, आज प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं यहाँ पे सामने रोड शो करेंगे, रात को दर्शन कर लिए राम लल्ला के, अच्छे हो गए, अभी शरीर नदी आनंद आ गया, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं आज शाम को, हाँ आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अभी शरीर नदी में स्नान कर लिया हमने, मोदी मोदी हाँ मिले हुए अजमेर में आए तो मिलना, बिल्कुल देखिए उत्साह देखते ही बन रहा है, देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं। अभिषेक आप आगे भी बातचीत जारी रखिएगा, फिलहाल शुक्रिया ये खास तस्वीरें भी दिखाने के लिए। तो शाम का वक्त होगा जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, यहां पर रामलला के दर्शन पीएम मोदी करेंगे, और मेगा रोड शो भी करीब 2 किलोमीटर लंबा पीएम मोदी का रहेगा। इस दौरे से जुड़ी हुई पीएम मोदी के हर तस्वीर खास आप सबसे पहले इंडिया न्यूज पर देखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।